मैंने नाले सफाई का काम और मानसून पूर्व जो अलग अलग काम है, रास्ते के काम बड़े पैमाने पे चालू है, तो बारिश के समय लोगों को कोई भी दिक्कत न आए इसके लिए आज मैंने मालाड़ पूर्व विभाग का एक दौरा किया है और मुझे लगता है कि महानगर पालिका ठीक तरह से काम कर रही है। लगभग सभी नालों की सफाई भी हुई है, जहाँ जहाँ खामियाँ है वहाँ दूर करने का हम आने वाले दिन में 2-3 दिन में वो भी काम पूरा करेंगे और बारिश अच्छी होगी ये भी भगवान से प्रार्थना है। लेकिन साथ साथ में अच्छी बारिश होने के बाद भी लोगों को बारिश के कारण कोई तकलीफ भी होगी नहीं, इस प्रकार की व्यवस्था हम कर रहे हैं। दौरे के दौरान आपसे लोगों ने भी मुलाकात की है, उन्होंने कई शिकायतें भी आपको बताई है, उसको किस तरह से देखा जाएगा, चाहे बात की जाए सड़कों की या फिर नालों की बात की? नहीं, ऐसा है, आपने देखा है कि पूरे मुंबई शहर में सीसी रोड निर्माण करने का एक बड़े पैमाने पे काम हमारे सरकार ने हाथ में लिया है और इसके लिए कई काम पूरे हुए हैं, कई रोड के बचे हुए हैं, वो बारिश के बाद वापस चालू करेंगे और उसके लिए मुझे लगता है कि लोगों ने अपनी अपनी समस्या जो रहती है वो मेरे पास सामने रखी है, उस पर तुरंत महानगर पालिका के माध्यम से हम उपाय करेंगे। कई सुझाव भी आपने दिए हुए हैं, उसको किस तरह से? जैसा मैंने आप देखा है अभी ये बीच में का पैच रह गया है तो अभी वो डाम्बर से टेम्प्ररी करे, बारिश के बाद अक्टूबर के बाद वापस सीसी रोड ये पूरा हो जाएगा और इसके लिए ऐसी छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें होती है वो देखने के लिए और वो लोग महानगर पालिका अधिकारियों को उजागर करने के लिए तो आज का दौरा है। मुझे लगता है कि सही अर्थों में एक यशस्वी इस पद्धति का ये दौरा है।